गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 3 ऑफ क्लास 3। लेट्स स्टार्ट। ओपन योर ईवीएस बुक, लेसन नंबर 3, पेज नंबर 22। तो बच्चों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 की बुक एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आवर नेशनल ट्री इज डैश। हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? बनियन। तो आप फर्स्ट पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है डैश इज़ अ ट्री दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स में कौन से ट्री ग्रो करते हैं? तो क्या आंसर आएगा इसका? बबुल। नेक्स्ट है हीना प्लांट इज ए डैश। हीना प्लांट कौन सा प्लांट होता है? शर्ब। लिनन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ डैश। लिनन क्लॉथ्स किसके फाइबर से बनते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉटन प्लांट। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्रूट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम डैश। ड्रैगन फ्रूट कहाँ से आयात किया जाता है? थाईलैंड। नेक्स्ट पेज। तो इसका बी पार्ट है नेम अ प्लांट दैट। उन प्लांट्स के नाम बताइए। तो फर्स्ट है क्लाइम्स ऑन अदर ट्रीज़, जो दूसरे पेड़ पर क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्टार जास्मिन। नेक्स्ट है ग्रोज इन वाटर। तो उन प्लांट्स के नेम बताने हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? लोटस। नेक्स्ट है इज़ अ वेरी बिग ट्री। तो बड़े ट्री का नेम बताना है। तो क्या आंसर आएगा इसका? फर। नेक्स्ट है बियर्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स। कौन सा प्लांट है जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स बियर करता है, यानी जिस पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगते हैं? तो क्या आंसर है इसका? अशोका। नेक्स्ट है इज़ कॉन शेप्ड। उस प्लांट का नेम बताना है जिसकी शेप क्या आती है, कॉन की तरह होती है। तो क्या आंसर है इसका? फर। नेक्स्ट सी पार्ट नेम फॉर इंडोर प्लांट्स। तो फोर इंडोर प्लांट्स कौन से हैं? फर्स्ट है मनी प्लांट, सेकेंड है फर्न्स FERNS फर्न्स, नेक्स्ट है पाम्स, नेक्स्ट है ड्रेसिना। तो क्या आंसर है इसका? DRACAENAS। तो बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। थैंक यू।